नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा PG एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के अंतर्गत 13 जनवरी 2020 को भी शेष रही पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है एवं यूलेट 2020 के संदर्भ में प्रोविजनल मेरिट ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है एवं PG एडमिशन 2020 से 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की तिथियों में परिवर्तन किया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे PG एडमिशन 2020 से 2021 के मेरिट सूची के संदर्भ में। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें PG बिलीव LLM एडमिशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने मेरिट लिस्ट फॉर PG एडमिशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करते हमारे सामने फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन या मेरिट लिस्ट का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। 13 जनवरी 2021 को MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, MSc केमिस्ट्री, MPA म्यूजिक वोकल, MA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, MA म्यूजिक वोकल की जो मेरिट सूचियां हैं जारी की जा चुकी हैं। सूची को देखने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं उसके संदर्भ में जानकारी दी गई है और यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कैटेगरी एंड टोटल परसेंटेज के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इस प्रकार डाउनलोड करके हम PDF फाइल्स को आसानी से देख सकेंगे। समय के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि हमें किस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। तो इस तरह से यहां से हम जो मेरिट सूची है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम नोटिफिकेशंस के संदर्भ में। ऑफिशियली कम्युनिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने नोटिस का ऑप्शन दिखाई देगा। मोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंडेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स ऑफ MSc जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सेशन 2020 से 2021। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स ऑफ MSc जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15th जनवरी 2021 8:03 PM। तो यहाँ 15 जनवरी 2021 3 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम सेकंड नोटिफिकेशन के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग PG एडमिशन 2020 से 2021। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2020 से 2021 की प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रथम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के
अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 15 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया को। तत्पश्चात ऑनलाइन फीस 16 जनवरी 2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट uniraj.ac.in पर जमा होना प्रारंभ होगी। सभी विभागाध्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थियों का डाटा 15 जनवरी 2021 को शाम 4 बजे तक दिए गए प्रारूप में इन्फोनेट सेंटर को भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया सभी पाठ्यक्रमों में 15 जनवरी 2021 तक किया जाएगा और 16 जनवरी 2021 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पर हम फीस जमा करा सकेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंडेड फॉर डिपॉजिट फीस फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट स्टूडेंट ऑफ एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सेशन 2020 से 2021। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की एमए प्रथम सेमेस्टर 2020 से 2021 में प्रवेश हेतु जारी की गई प्रथम वरीयता सूची में जिन छात्र छात्राओं का नाम था तथा किसी कारणवश दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2021 को काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो सके, ऐसे छात्रों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15 जनवरी 2021 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित हिंदी विभाग में प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होवें। तो यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की डेट 15 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंडेड एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर लिस्ट ऑफ एडमिट स्टूडेंट इन एमफिल सेकेंड सेमेस्टर फॉर सेशन 2020 से 2021 डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन एमफिल सेकेंड सेमेस्टर फॉर द सेशन 2020 से 2021। अब बात करेंगे हम यूलेट के संदर्भ में। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें यूलेट 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। मेरिट ऑर्डर नोटिफिकेशन एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मेरिट ऑर्डर। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। महत्वपूर्ण सूचना विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय केंद्र दो में यूलेट 2020 के माध्यम से सत्र 2020 से 2021 में प्रवेश चाहने वाले आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना एवं उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों यथा योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत यूजीपीजी कैटेगरी प्रमाण पत्र इत्यादि के आधार पर प्राप्त आवेदनों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात उनका अस्थायी वरीयता क्रम जारी किया जा रहा है। प्रवेश काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय आवेदन पत्र में भरी गई सूचना या उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों में असंगतता होने पर प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त समझा जाएगा। प्रवेश हेतु काउंसलिंग एवं श्रेणीवार कट ऑफ का नोटिस पृथक से जारी किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट के संपर्क में रहे। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में है प्रदर्शित किया गया है। प्रोविजनल मेरिट ऑर्डर क्रमांक देखने के लिए हमें दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा।
एंटर योर फॉर्म नंबर, मदर नेम एंड DOB, जिसमें डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के पश्चात हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारा जो मेरिट क्रमांक नंबर है हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी से जो अपना प्रोविजनल मेरिट ऑर्डर आसानी से देख पाएंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।